घडामोडींच्या प्रत्येक क्षणांची अचूक माहिती मिळवण्यासाठी पहा फक्त लेन्सिंग न्यूज। आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। नमस्कार, मैं अक्षय निकालजे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, दो दिन पहले हमारे कार्यकर्ता लोग फैमिली के साथ नासिक से मुंबई आ रहे थे। उसी दौरान गोटी टोल नाका, यहां पे कोई कर्मचारियों ने, गोटी टोल नाका के कर्मचारियों ने उनकी पिटाई की। 30 से 40 लड़के लोगों ने दो तीन लड़का लोग को मारा, इतने बुरी तरीके से मारा, उनका सिर फट गया कईयों का, किसी को नाक पे चोटें आई है। तो उसी संदर्भ में मैंने अंदर सुहास खांडे जी को फोन किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि अंदर का ये काम होता है क्या, मेरा ये सब काम नहीं है, और वो टोल मैं नहीं देखता हूं, मेरे छोटे भाई देखते हैं, और इसके आगे मुझे फोन नहीं करना। तो मैंने ठीक है बोल के रख दिया। तो उन्होंने मुझे फिर से फोन किया, तब उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे ऊपर मैं गुनाह दाखिल कर सकता हूं, तुम जानते ही मुझे। तो मैंने बोला सर किस चीज के लिए दाखिल करोगे, मैं खुद एक भाई हूं, मेरे पे एमसीओसी के गुने है, तुम मेरे बारे में जाके किसी को भी पूछ लो। तो मैंने बोला सर आप एफआईआर क्यों दाखिल करेंगे हम पे, मैं आमदार हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो मैंने फोन कट कर दिए। दूसरे ही क्षण मुझे शाम को 10 बजे मुझे फिर से फोन आता है, रात के 10 बजे एसीपी ऑफिस से। अभी अनऑफिशियली कॉल था या कैसे कॉल था मुझे पता नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने अमदर सुहास खांडे जी को फोन किया था क्या। मैंने बोला हाँ सर किया था मैंने फोन, किस लिए किया था। तो मैंने बोला ऐसे टोल नाका पे ऐसे चीजें हुई उसके लिए किया था, आप मुझे रिकॉर्डिंग भेजिए, रिकॉर्डिंग भेजिए। मैंने बोला यार अगर मैं रिकॉर्डिंग क्यों भेजू आपको, आप उनसे मांग लीजिए। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉल किए, मेरा नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करना शुरू किए कि मुझे नंबर भेजिए, मैं एसीपी ऑफिस से बात कर रहा हूं। अभी अनऑफिशियली कॉल था, ऑफिशियली कॉल था या सच में पुलिस वालों का कॉल था ये मुझे पता नहीं। तो दूसरे दिन भी उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कोई उनका फोन उठाया नहीं। तो शाम को मैंने ऐसी न्यूज देखी कि छगन भुजबल जी की कोई रिट पिटीशन है, वो पीछे लेने के लिए मैंने उनको फोन किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये सरासर झूठ वक्तव्य उन्होंने किया है, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है ये। मैंने ऐसा कभी उनको इस चीज के लिए फोन नहीं किया। मैं छगन भुजबल जी से कभी मिला ही नहीं हूं, मेरी कभी उनसे बातचीत ही नहीं है। तो कोई ना कोई ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं या कुछ है मुझे पता नहीं। मैं पुलिस आयुक्त से दरख्वास्त करूंगा, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस से, कि इस चीज को गंभीरता से ले और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और वो हाल ही की जो रिकॉर्डिंग है वो भी सबके सामने, जनता के सामने लाए, लोगों को पता चलने दो क्या ऐसे भी अंदर होते कि ऐसे दहशत फैलाते हैं। बस मेरी यही निवेदन है मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र पुलिस से। जय हिंद, जय भारत। प्रतिनिधि रोहन दानी, नाशिक।